हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले एक बार इसकी स्टेटमेंट यहाँ से देख लेते हैं, बुक में से पढ़ेंगे हम। ऑन द ओकेजन ऑफ वन महोत्सव इट वॉज डिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन टू प्लांट सैम्पलिंग्स ऑफ अशोका ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज इन द लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो लोकेलिटी है उसमें अशोका ट्री और मैंगो ट्री, ठीक है, इसकी सैम्पलिंग्स लगाई जाएंगी। अकॉर्डिंगली अशोका ट्रीज वर प्लांटेड इन 3x+1 रोज हैविंग x^3 + x^2 - 1 ट्रीज इन ईच रो। देखो, कुछ लगे हैं अशोका के ट्रीज और कुछ लगे हैं मैंगो के ट्रीज, ठीक है, और हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो मैं डायरेक्ट करूँगी ए पार्ट, हम लिखेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्लांटेड ट्रीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मैंगो के जितने ट्रीज लगे हैं, मैंगो ट्रीज प्लस और दूसरे कौन से लगे हैं, अशोका के ट्रीज लगे हैं, ठीक है। या चाहो तो पहले अशोका लिख लो, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें पहले अशोका लिखा हुआ, तो यहाँ लिख लेना अशोका ट्रीज प्लस मैंगो ट्रीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है जो अशोका के ट्रीज हैं उसकी कितनी रोज हैं, 3x+1, और हर एक रो में कितने ट्रीज लगे हैं, x^3 + x^2 - 1। जब भी हमें टोटल ट्रीज निकालने हैं तो जितनी रो हैं, देखो बहुत सारी रो हैं, जैसे आप मान लो कि आपने भी देखा होगा, जैसे आपकी प्रेयर होती है तो बहुत सारी रो बनती है और हर एक रो में मान लो कि 10 रोज बनी, ठीक है, और हर एक रो में 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितने होंगे, जितनी रो हों और जितने हर एक रो में जितने ट्रीज हैं या फिर जितने स्टूडेंट हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अशोका के ट्रीज होंगे कितनी रोज हैं, 3x+1, ठीक है, रोज तो हैं 3x+1, और हर एक रो में कितने ट्रीज हैं, x^3 + x^2 - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऐसे ही मैंगोज में कितनी रोज हैं, x-3, और इसको मल्टीप्लाई करना है जितने एक रो में ट्री हैं, 2x^2 + 1, ठीक है। ये याद रखना है, जब एक तरह के टोटल ट्रीज निकालें तो जितनी रो हैं और जितने एक रो में ट्री है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पहले 3x की मल्टीप्लाई यहाँ से हर एक टर्म के साथ होगी, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ की फर्स्ट टर्म और यहाँ की फर्स्ट टर्म, 3x को और x^3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x^x यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ की फर्स्ट टर्म और यहाँ की फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई। अब हम देखो आप क्या करते हो, यहाँ की फर्स्ट टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3x की मल्टीप्लाई अब की बार x^2 से, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का सिंबल आएगा, 3x की मल्टीप्लाई x^4 से, तो कितना हो जाएगा, 3x1 और x2 ये हो जाएंगे x^3। अब 3x की मल्टीप्लाई -1 से तो -3x आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई सारे से करनी है, अब 1 की तो मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से कर लो, वही का वही आ जाएगा, मतलब x^3 + x^2 - 1, ठीक है, एक तो यहाँ से आया। अब ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, प्लस x की मल्टीप्लाई, देखो बाहर प्लस है मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं डल रहा, जो कुछ इफेक्ट सिंबल पर डलेगा तो यहीं से ही डलेगा, एक्स की मल्टीप्लाई 2x^2 से, कॉन्स्टेंट तो सिर्फ 2 है, x^1 है और x^2 है, तो कितना हो जाएगा, x^3। ऐसे ही एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई यहाँ +2x^2 से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 3 × 6x^2 -3 और +1 माइनस के 3 आ जाएंगे, 3 × 1 = 3। अब आप इसमें से ये देखो लाइक पावर्स को इकट्ठा करो, मतलब जिनकी पावर सेम है उनको आगे लिखो, तो सबसे पहले आएगा 3x^4, ये लिख चुके हैं। अब जहाँ पर x^3 है उनको लिखेंगे, यहाँ पर भी x^3 है, यहाँ पर भी x^3 है, यहाँ पर है,
एक्स रेस टू पावर 3 वाले टर्म्स लिख ली। अब जहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर है एक्स रेस टू पावर 2, यहाँ पर है एक्स रेस टू पावर 2। अब जहाँ पर सिंगल एक्स है, मतलब एक्स की पावर 1 है, माइनस 3x प्लस एक्स, ठीक है, हो गया। अब जहाँ पर एक्स है ही नहीं है, विदाउट एक्स वाले टर्म माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3। पहले टर्म्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब हमने सारे टर्म्स लिख लिए, कोई भी मिस नहीं हुआ है। तो यहाँ से आएगा 3x रेस टू पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल पार्ट सेम है, एक्स रेस टू पावर 3, एक्स रेस टू पावर 3, एक्स रेस टू पावर 3, मतलब सारे ऐड हो जाएंगे। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, और 2 यहाँ, 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब एक्स रेस्ट पावर 2 वाला देखो, यहाँ पर इन दोनों में एक्स रेस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर सिंबल अलग अलग है, प्लस का यहाँ पर प्लस 1 है और माइनस 6 है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमें पता है सेम साइन केप एंड ऐड, बट डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। अगर डिफरेंट साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस के 1 है और माइनस के 6, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 5, एक्स रेस्ट पावर 2, 6 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। ऐसे यहाँ पर करो, माइनस 3 है और प्लस 1 है, डिफरेंट सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2x, 3 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। यहाँ से अब सिर्फ कॉन्स्टेंट पार्ट करना है, सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 4, 3 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर टोटल ट्रीज आ गए हैं, तो ये आ जाएंगे टोटल ट्रीज, एक तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आर लाइफ, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में सेकंड है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीज़ की हमारी लाइफ में। अब देखो हमें पता है अगर ट्रीज़ हैं तो हमारा एनवायरनमेंट कैसे, एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो, ट्रीज़ मेक द एनवायरनमेंट, ट्रीज मेक द एनवायरनमेंट ग्रीन, एनवायरनमेंट ग्रीन नज़र आता है जो बहुत सारे ट्रीज़ होंगे तो, ठीक है, और फ्रेश एयर मिलती है हमें तब, फ्रेश एंड, और जब बहुत सारे ट्रीज हों तो एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल भी बहुत नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू अ डेटा पी रेस टू पावर 2 माइनस 4p प्लस 3 रोड एक्सीडेंट्स अकर्ड इन सिटी ए, सिटी ए है वहाँ पर कितने एक्सीडेंट हुए, ये जो यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, 6p माइनस 7 प्लस 2p रेस टू पावर 2 रोड एक्सीडेंट अकर्ड इन सिटी बी एंड p प्लस 10 प्लस 2p रेस टू पावर 2 रोड एक्सीडेंट्स अकर्ड इन सिटी सी। अलग अलग सिटी में, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, सब में अब बता रखा कि अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स कितने कितने हुए हैं, फिर हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अकर्ड। तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख रही हूँ, ठीक है, तो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अकर्ड, तो हम लिखेंगे टोटल एक्सीडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स तो इसमें क्या आएगा, जो सिटी ए में हुए हैं प्लस सिटी बी में हुए हैं प्लस सिटी सी में हुए हैं, ठीक है, तीनों सिटीज़ में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ये जो फर्स्ट वाला है ये सिटी ए का है, तो यहाँ लिखेंगे पी रेस टू पावर 2 माइनस 4p प्लस 3, ठीक है, ये तो सिटी ए का है, ऐसे ही सिटी बी में है, इसी में डायरेक्ट ऐड कर दो 6p माइनस 7 प्लस 2p रेस टू पावर 2, और फिर ये सिटी सी का, इसमें इसी में डायरेक्ट ऐड कर दो p प्लस 10 प्लस 2p रेस टू पावर 2। हमने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, देखो जहाँ पर p की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले p रेस टू पावर 2 वाले लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस 2p रेस टू पावर 2, और यहाँ से भी आएगा प्लस 2p रेस टू पावर 2, जहाँ पर p की पावर 2 थी उनको लिखा है। अब जहाँ पर p की पावर 1 है यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4p, यहाँ से आएगा प्लस 6p, और यहाँ से आएगा प्लस p, ठीक है, p वाले टर्म्स लिख लिए हैं। अब विदाउट p प्लस 3 माइनस 7 और प्लस 10, तो देखो इनका करो, यहाँ पर सेम साइन है तीनों का, सेम p रेस टू पावर 2 है सब में और सबका सेम साइन है, 2 और 2 4 और 1 5, 5p रेस टू पावर 2। यहाँ पर देखो इनको आप चाहो तो अलग से लिख के सोल्व कर लो, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा माइनस के, मैं अभी फ़िलहाल ऐसे लिख देती हूँ, माइनस के 4p हैं, लेकिन ये दोनों का सेम सिंपल है तो दोनों को ऐड कर दो, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7p,
ठीक है, इनको भी ऐड कर दो, 10 और 3 13, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। देखो 10 और 3 13, 13 में से 7 माइनस हुआ 6। अब इसको यहाँ 5p raised to power 2, ये थोड़ा सा पार्ट ये रह गया सोल्व करना, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3p, 7p बड़ा है उसका सिंबल प्लस है तो प्लस, प्लस के 6, तो टोटल रोड एक्सीडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर 5p raised to power 2 प्लस 3p प्लस 6, ठीक है। तो ये टोटल रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये हो गया सेकंड का ए पार्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया बी पार्ट में, व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट्स ऑन रोड। आपके पास बुक है, आप बुक में से चेक कर लेना, या फिर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, कि रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हमें ओबे करना चाहिए, ठीक है, ओबे ट्रैफिक रूल सिंसियरली, या तो ऐसे लिख लो या लिखो पूरा स्टेटमेंट, ट्रैफिक रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, उनको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाना चाहिए और उसको फॉलो भी अच्छे से किया जाना चाहिए, फॉलोड सिंसियरली एंड डिफॉल्टर शुड बी पनिश्ड लिख लो, ठीक है। मतलब जो ट्रैफिक रूल्स है उनको अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उन्हें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो आम पब्लिक है उसको उसको अच्छे से फॉलो भी करना चाहिए, और अगर कोई डिफॉल्टर्स हैं जो मान नहीं रहे हैं किसी की बात, तो उनको पनिश भी अच्छे से किया जाना चाहिए, उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 और 2। नेक्स्ट इसके बाद जो ब्रेन टीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।